सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जब कोई शहजादा अपने सुल्तान और रियासत के खिलाफ जाने लगे, अहकामात ना माने, तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। हमें ये मालूमात देने वाले मुशीर हर्बर्ट को बचा कर ले जाना चाहते हैं। आसन से मुलाकात की और फूल किसी और को दे दिया। वो दोनों एक साथ ही महल लौट रहे थे, लेकिन कोई बात हुई और आसन वापस चली गई। शहजादे, आपको तफ्तीशी कमरे में ले जाने के लिए हाजिर हुआ हूं। यह हमारे सुल्तान का हुक्म है। अगर अब्दुल कादिर की गद्दारी साबित हो जाती है तो फैसला आपका है। आपके फैसले पे एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे हम। मेरी परेशानी की वजह सिर्फ आप है शहजादी। मेरा दिल ऐसे बेचैन है जैसे मौसम में बाहर ने सब कुछ खो दिया हो। मिल गई। दरअसल जब उन्हें एक बेटे ने तकलीफ दी तो वो ये देखना चाहते थे कि उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश करने में कहीं कोई कमी तो नहीं की। अगर आपके हथियारों की वजह से हमारी रियासत का कोई भी नुकसान हुआ तो आपके सारे जहाज गर्क हो जाएंगे। ज़ाहरुफ अफंदी, इसका टूटना ही अच्छा है पाशा, ताकि दोबारा ये रियासती सलामती के लिए परेशानी का बाइस ना बन सके। तोड़ दिया इसे। आइए। फरजंद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सेहत कैसी है आपकी? शुक्रिया है सुल्ताने मौसम, और दुआगो हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। फरजंद जी। मेरे सुल्तान, आपको यह खबर अगर अचानक दी जाए कि बाबा नहीं रहे तो फिर आप क्या करेंगे? अल्लाह ना करे सुल्तान मौसम। क्या करेंगे आप? मेरे सुल्तान, इस रियासत का सुतून है आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। यह सुतून गिर गया है फरजंद, छत गिरने वाली है, क्या करेंगे आप? इसे सहारा देंगे हम, इस रियासत का, अपनी मिल्लत का और आलम इस्लाम का बोझ उठाएंगे। दुश्मन आपको खौफजदा करने की कोशिश करेंगे, मक्कारी करेंगे, चालाकी करेंगे, और जालिम आप पर अपने जुल्म के तीर चलाने लगेंगे, तब क्या करेंगे आप? उनका सामना करेंगे हम हक के मुजाहिद की हैसियत से, और मजलूमों का पूरी तरह साथ देंगे। आपको आपके अपने ठुकरा देंगे, औलाद भी धोखा दे जाएगी, तन्हा रह जाएंगे आप, फिर क्या करेंगे? हम अल्लाह से उम्मीद रखेंगे सुल्ताने मौसम। कांधों पर यह बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? ऐसे वक्त में अल्लाह हमें हिम्मत देगा सुल्ताने मौसम। खुश रहिए। काम हो गया? अखबार भेज दिया? क्या हुआ? कुछ खदशात है मुझे कि अब्दुल हमीद से हमें हथियार वापस मिल जाएंगे। जनाब हर्षद,
मेरा मशवरा है कि आप अपने खदशात कहीं दूर फेंक दें। मैं वो हथियार बहुत आसानी से वापस ले आऊंगा। अब्दुल हमीद हथियारों का पीछा नहीं छोड़ेगा। अब्दुल हमीद यही समझेगा कि तमाम हथियार जाया हो चुके हैं। ऐसा कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि वो बंदूकें समंदर में गर्क की जाने वाली हैं। और फिर अचानक वो बंदूकें आर्मीनियों के हाथों में होंगी और तबाही मच जाएगी। अब्दुल हमीद हैरान रह जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सुल्तान मुअज्जम की वो मशहूर अजमत और हैबत कैसे दुनिया को हिलाती है। जनाब, दुआ है ऐसा ही हो। जनाब हर्षल, हथियारों पर आप और रियासत पर मैं कब्जा करूंगा। अब्दुल हमीद और अवाम सब तबाह हो जाएंगे। बेफिक्र रहें। इस पर परसों की तारीख दर्ज है पाशा। हम समझ रहे थे कि वो हमला करेंगे, मगर उन्होंने सिर्फ उनकी तस्वीर दी है। खूनी सुल्तान आर्मीनियों के कत्ले आम के लिए मुसलमानों में हथियार बांट रहे हैं। इन हथियारों की तिजारत में मुलविस शख्स सुल्तान अब्दुल हमीद का फर्जंद शहजादा अब्दुल कादिर है। यह दस्तावेज जाहिर करती है कि हथियार अब्दुल कादिर की मिल्कियत है। उन्होंने एक पैगाम भेजा है पाशा, हर्बर्ट को अगर रिहा ना किया तो 2 दिन बाद यह खबर शाया करके पूरी दुनिया में फैला दी जाएगी। मेरे सुल्तान, शहजादा अब्दुल कादिर अफंदी और पाशाजादा सबाहद्दीन कपड़े की तिजारत में मसरूफ हुए और महमूद पाशा ने यहां आकर हथियारों की जगह बता दी। शुबा। लेकिन अगर शुबहात की बुनियाद पर हम फैसले करने लगे तो इंसाफ मुश्किल होगा पाशा। हमें हर सूरत हकीकत को तलाश करना होगा। शक और शुबहात सुलगती आग की तरह होते हैं पाशा, इस आग में बेकसूर भी जल जाते हैं। हम ये खतरा हरगिज मोल नहीं ले सकते। आह मेरे सुल्तान, आह, अगर वो आपको जानते तो कभी आपसे दुश्मनी मोल ना लेते। आपके इंसाफ का अंदाजा होता तो आरजू करते उसके साए में रहने की। शफकत का अंदाजा होता तो आपसे दोस्ती की ख्वाहिश करते। जो ये नहीं देख सकते वो हमारा गजब देखेंगे पाशा। हम उस मुशीर हर्बर्ट को रिहा करेंगे। वो जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन वो जैसे ही गया तो मारा जाएगा। सुबह बखैर। मेरे मोहसिन, महमूद पाशा, खुशामदीद, हुक्म कीजिए। क्या सूरत हाल है? आपकी मेहरबानी से सब अच्छा चल रहा है पाशा। अपनी नौकरी से खुश हो तुम? जी बिल्कुल पाशा, शुक्र है। आला, याद है ना तुम्हें, यहाँ नौकरी देने वाला मैं हूँ और जब चाहूं मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूं। आप बस हुक्म करें पाशा। अच्छा ये बताओ, क्या आज रात हथियार इस कश्ती में रवाना किए जाएंगे? सारी तैयारी मुकम्मल है पाशा, आज रात हथियार लेकर रवाना हो जाएंगे। तुम खामोशी से इस कश्ती में एक सुराख करोगे। फिर तो कश्ती डूब जाएगी। बेफिक्र रहो, नहीं डूबेगी। तुम उस सुराख को इस मोम से भर दोगे। लेकिन समंदरी पानी इसे 3-4 घंटों में पिघला देगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, यही तो मैं चाहता हूँ। मगर इस तरह सिपाहियों समेत कश्ती डूब जाएगी पाशा। बदतमीज, मैं जानता हूँ, रियासत का पाशा हूँ मैं।
रियासत का एक ताकतवर पाशा तुम्हें एक हुक्म दे रहा है और तुम कहते हो कि रियासत के एक पाशा के मुकाबले में उन चंद सिपाहियों की परवाह करोगे? माफ कर दीजिए पाशा, जैसा आपका हुक्म होगा वही होगा। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं पाशा। आला, अब तुम्हारा नाम तरक्की पाने वालों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर आ जाएगा। मेरे लिए एजाज होगा पाशा। ठीक है, जो कहा है वो करो। एजाज तो दूंगा लेकिन वो कब्र में तुम्हारे काम नहीं आएगा। मेरे सुल्तान, मुझे लंदन में उन अंग्रेज जासूसों की मालूमात मिली थी जो रूस के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, कुछ साइबेरिया में, तकरीबन 10 मॉस्को में और 25 के करीब पीटर्सबर्ग में। वो सब मिलाकर तकरीबन 3,000 जासूस पूरी रूसी सल्तनत में फैले हुए हैं। तुमने इतना शानदार काम किया है कि हम अब तक उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आपकी और शहीदों की मेहनत ना होती तो मैं कभी कामयाब ना होता मेरे सुल्तान। मजीद क्या हुक्म है? तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए सुल्तान। ये दस्तावेज रूसी सफारत खाने भेज दें। जी बेहतर है। उनके जासूस अगर हर जगह फैले हुए हैं तो सफारत खाने में भी होंगे। इसके साथ ये भी तहरीर करें, नौ आबादियात के मुशीर जनाब हर्बर्ट की रूस में सियासी पनाह के बदले में सुल्तान की जानिब से एक तोहफा। जैसा आप कहें। अंग्रेज इस गद्दारी को कभी माफ नहीं करेंगे। सुल्तान मोहसम, मैं सियासत का तालिब इल्म रहा हूं लेकिन आप जैसा मुअल्लिम नहीं पाया। सियासत का इल्म किताबों के जरिए नहीं पढ़ा जा सकता फर्जंद, तजर्बा जरूरी है इसके लिए। मसलन बताओ, जारूफ अफंदी को हथियार क्यों वापस किया हमने? क्योंकि वो उसकी मिल्कियत थे। हम ये भी कह सकते थे कि हमारे पास हथियार नहीं, लेकिन हमने जहाज तक हथियार पहुंचा दिए ताकि वो समझ जाए कि इस रियासत में उसका कोई काम नहीं। जिम्मेदारी निभाओ। भाई तुम यहीं इंतजार करो। भाई जरा बात सुनिएगा। कुछ दिन से नजिस जानवर की गंदगी सारे माहौल को नापाक कर रही है भाई। इस जगह के अलावा वो जानवर और कहीं नहीं होता। मैं गैर मुस्लिमों के लिए वो जानवर पालता हूँ यहाँ। क्या हाल ही में किसी को बड़ी तादाद में जानवर बेचे हैं? हाँ, एक काना आदमी आया था, उसने बहुत सारे खरीदे थे। क्या उस आदमी को जानते हैं आप? कुछ पता है उसके बारे में? क्या वो अक्सर यहाँ आता है? एक दो बार आया था वो यहाँ, इससे पहले मैंने उसे नहीं देखा। क्या आपने सवाल नहीं किया तुम्हें इतने जानवर क्यों चाहिए और क्या करोगे इनका? हम किसी से ये सवाल नहीं पूछते। उसने जानवर खरीदे और कोई बात किए बगैर यहाँ से चला गया। वो ज्यादा बात करेगा भी नहीं, अब समझा। उसके चेहरे पर मैंने जो निशान छोड़ा है उससे वो हर जगह पहचाना जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। कुछ मालूम हुआ? हिरम ही था, यहीं से खरीदे थे। उन नजस जानवरों के साथ उसे काट दूंगा, वो बच नहीं पाएगा मुझसे। आ जाइए। खुशामदीद वहीं में आइए। कहो क्या बात है? आपके लिए बहुत अहम खबर है सुल्ताना। क्या वाकई? तो बताइए इस बार क्या अहम खबर लाई है। वो आज स्नेहा फुपी आई थी हमारे पास, बाजी से बात की उन्होंने। अच्छा, तो क्या कहा बाजी से? कमालुद्दीन पाशा और खदीजा बाजी का रिश्ता मजीद गहरा होता जा रहा है। उन्होंने बाजी से शादी की बात की है
शादी की बात? जी बिल्कुल। आइए यहां हमारे पास बैठिए फहीमे। फूफी जान बाजी की शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्हें बहुत प्यार है अपनी भतीजी से, मगर एक शर्त है उनकी। स्नेहा सुल्तान मतलब के बगैर कोई काम नहीं करती, बताइए क्या शर्त रखी है उन्होंने? उन्होंने कहा शादी देर से हो तो बेहतर है, इस तरह मकबूला और सबातीन की शादी में भी ताखिर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह आप अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगी। वो महल के रिवाज अच्छी तरह जानती हैं। दो शादियां इकट्ठी हो जाए तो एक साथ मुनक्कित की जाती हैं। एक शादी में देर की जाए तो दूसरे में भी ताखीर हो जाएगी और इससे स्नेहा को वक्त मिल जाएगा। उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा था। हम कभी भी अपने भाई और अपनी औलाद की खुशियों को स्नेहा की ख्वाहिशात की वजह से कुर्बान नहीं होने देंगे। साफ़िद। जी पाशा। एक काम दे रहा हूं, मगर जैसा कहूं वैसा ही करना। मुझे कोई इनाम मिलेगा? अगर तुम कामयाब रहे तो हम गलियों में मिलकर जासूसी करेंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं भी जासूस बन सकता हूं? हाँ बिल्कुल बन सकते हो, कोई शक नहीं। क्यों नहीं बन सकते? आखिरकार किसी ने तो मेरी काबिलियत को पहचाना। कहिए पाशा, कहिए। हाजिर हूं मैं। तो काम यह है कि नाइमे सुल्तान काफी बीमार हैं। मैं चाहता हूं कि यह तोहफा उन्हें पहुंचा दो। उनकी तबीयत बेहतर होते ही उन्हें मिल जाएगा पाशा। और हां, इसे खोलना नहीं। सफत आगा जानता है कि जासूस राज की हिफाजत कैसे करते हैं। वैसे इसमें है क्या? वैसे तुम्हें पूछना नहीं चाहिए था। लिबास है लिबास, लेकिन खोलना नहीं। सामान रखना शुरू करो। जैसा आपका हुक्म। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ किया है मैंने और अब तुम्हारा मशवरा चाहिए मुझे, क्योंकि कर तो दिया है लेकिन पता नहीं कि गलत क्या है या सही। क्या बात है, खुल के बताओ मुझे। नाइमे सुल्तान, मैं नाइमे को पसंद करता हूं कमालुद्दीन। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उन्हें एक तोहफा भिजवा दिया है और साथ ही साथ एक खत में जज्बात भी बयान करती है। ये तो अच्छा किया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? वो हमारे सुल्तान की बेटी हैं। मैंने नाम भी बता दिया। फिक्र मत करो मेरे भाई। फिक्र कैसे ना करूं, एक मामूली कप्तान हूं मैं, भला कैसे हो सकता हूं उनके काबिल। मामूली? बस करो मेरे भाई, खुद को कैसे मामूली समझ सकते हो तुम। हर काम कामयाबी से किया। सुल्तान ने जब भी कोई जिम्मेदारी दी तुमने पूरी की है। एक पाशा क्या होता है जलाल, किस पाशा ने तुम्हारे बराबर खिदमत की है। शर्मिंदगी हो रही है पाशा। बेफिक्र हो जाओ मेरे भाई, अगर मुझे नाइमी की तरफ से मुनासिब जवाब ना मिला तो मैं चला जाऊंगा यहां से। जलाल, जो अभी हुआ ही नहीं है उसको सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो तुम। ज्यादा मत सोचो भाई, वापस आकर इस मामले को भी देख लेंगे। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम बस यहां से जाएंगे और हथियार छोड़कर वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे,
मेरी बात समझो, मैं समंदर में अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे उससे फायदा होगा। वाह भाई, तो जलाल साहब समंदर के बीच ख्वाब देखेंगे, बहुत ही अच्छा ख्याल है आपका। अच्छा ठीक है, चले जाओ अकेले, खुले समंदर में सर्दी होगी, ये पहन लो। इसकी जरूरत नहीं। पहन लो मेरे भाई, चलो पहनो इसे। वाह क्या बात है जलाल पाशा। जनाब, रूसी सिफारतखाने से हमारे जासूस ने ये भेजा है। ये परेशान कौन है? इसमें हमारे उन तमाम जासूसों की तफसीलात मौजूद हैं जो रूस में हमारे लिए खुफिया तौर पर काम करते हैं। ये क्या कह रहे हो? इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब मुशीर हर्बर्ट का किया धरा है। उस्मानिया सल्तनत को ये मालूमात उन्होंने फराहम की है, उसका आपसे ताल्लुक है, उस्मानी जानते हैं, रूसी सफीर को इसीलिए उन्होंने ये भेजी है। ये खबर फौरन हमें लंदन भेजनी है। ठीक है जनाब। तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक काम आने वाला है। क्या सब तैयार है? सब तैयार है जनाब। मोहताज रहना। जलाल अफंदी, अब्दुल हमीद का पसंदीदा जासूस, ये है मिल्लत का एक अजीम नुकसान। नाइमे नूरे नजर, हमारे दिल का चैन और सुकून, हमारी प्यारी दुख्तर, हमारे महल की रोशनी, हमारी जिंदगी, अल्लाह से आते कामिल आता करे। या अल्लाह हमें अपनी औलाद के गम से मत आजमाना, हमारी बेटी को शिफा अता फरमा, शिफा अता फरमा। हमें बताइए आखिर मामला क्या है, कौन सी तकलीफ ने आपका यह हाल बना दिया है? कमालुद्दीन, कमालुद्दीन बाबा जान। लेटी रहिए दुख्तर, अपने दिल के गम न छुपाइए, उन्हें खुद पर हावी मत कीजिए। बुखार आपको है लेकिन अंदर से हम जल रहे हैं। खदीजा, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी सुल्ताना। सुना है कि कमालुद्दीन पाशा और आपके दरमियान कुछ राबता है, तो उस बात से आपका क्या ताल्लुक है? इस हरम में जो कुछ भी होता है उससे हमारा ताल्लुक है खदीजा, अगर आप ये बात खुद आकर हमें बताती तो बेहतर होता। लेकिन सुल्ताना ऐसा क्यों करते हम? हमने इस बारे में सब कुछ अपनी पप्पी जान सनेहा सुल्तान को बता दिया है, और आप हमसे इस तरह तफ्तीश क्यों कर रही हैं? क्या शादी करना कोई गलत बात है? हमारे साथ आइए, आइए। सारा, मैं नहीं कर सका सारा, बहुत कोशिश की
मगर अस्पताल से फूल नहीं ले सका। अब्दुल हमीद का सर्फ कितना आला है, एक औरत को फूल के जरिए मारेगा वो। हर्जल, हिरम, महमूद पाशा, आखिर ये सारे फजूल लोग कहाँ चले गए? दरअसल फिलहाल तुमसे या तुम्हारी सेहत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है सारा। महमूद पाशा बरतानवी नुमाइंदा बन गया, थियोडोर हर्जल साहब आर्मीनियों के साथ मिलकर बैंक को लूटने की तैयारियों में है। बेवकूफ लोग, वो मेरे बगैर अब्दुल हमीद को शिकस्त नहीं दे सकते। शिकस्त? वो तो अब्दुल हमीद की एक तस्वीर तक दीवार से नहीं उतार सकेंगे। अब्दुल हमीद को दरअसल हराने के लिए पहले उसका सहारा बनने वालों को कमजोर करना जरूरी है। हमें नौजवानों को भड़काना होगा और मैं कर सकता हूं ये। समीर तो मर गया और अब तमाम उस्मानी नौजवान ये समझेंगे कि अब्दुल हमीद ने ही उसे कत्ल करवाया है। जनाजा उठाए जवान ही हमारा ताकतवर लश्कर बनेंगे और यही मुस्लिम नौजवान मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेंगे, सिपाही भी बनेंगे या सहाफी बनेंगे, और फिर ये उस मुकाम पर होंगे जहां हुकूमती इख्तियारात इनके हाथ में होंगे। वो खुद को मगरिब के सांचे में ढालने की कोशिश करते रहेंगे और इस तरह वो एक नाकाबिले शिकस्त लश्कर बन जाएंगे, तुम देखना। और उस वक्त उस्मानियों के हर एक घर में, उनके दिलों में, मुआशरे में, उनकी रगों तक में और उनके दीन में भी मुदाखलत करेंगे हम। उसके बाद तबाही की इब्तिदा होगी। अब्दुल हमीद को शिकस्त देने का यही तरीका है सारा। उठ जाओ अब, चलो चलते हैं। कहाँ? अब्दुल हमीद के पास। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं वहां से बच के निकली थी, जानते हो तुम? अब्दुल हमीद से भागकर हम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर जिंदगी अजीज है तुम्हें तो उसकी बात माननी होगी सारा। चलो। मेरे सुल्तान, हथियार रवाना कर दिए गए हैं, वो समंदर में जारूफ के जहाज तक पहुंचा दिए जाएंगे। तहसील की दस्तावेज पर दस्तखत करवा दें। सिपाही मामले की हसासियत से अच्छी तरह वाकिफ है सुल्तान मौसम, आप फिक्र न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस इम्तिहान से भी गुजर गए। अब तफ्तीश करने का वक्त आ गया है शहजादे से, देखते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। देख रही हैं नाइमे की हालत? जी बिल्कुल देख रहे हैं हम। ये काफी देर तक बारिश में भीगती रही, इंशाल्लाह जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। इनकी ये हालत बारिश की वजह से नहीं है बल्कि इसकी जिम्मेदार आप है खदीजा, ये आपकी वजह से आग में जल रही हैं। सुल्ताना ऐसा क्यों कह रही हैं आप, हम समझे नहीं। आप जानती हैं नाई में बारिश में क्यों भीग रही थी, अंदाजा है आपको? अपने दिल की आग बुझाने के लिए। सुल्ताना लेकिन इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन मतलब? नाई में कमालुद्दीन को चाहती है खदीजा, और वो भी इस कदर कि उनकी इश्क में बीमार हो गई है।
मैंने जिंदगी भर सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे। इन हालात में भी मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त में नहीं बल्कि हर वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। रूह से तुम्हारे कमजोर तरीन लम्हात में भी साथ दूंगा। जाओ और गुलाम बन जाओ सुल्तान की। मैं सुल्तान को गुलाम बनाने की तहरीक चलाता हूँ। सुल्तान से मुलाकात करना चाहती हूँ। सुल्तानी मौसम, एक खुद मुख्तार रियासत की यह खूबी होती है फरजंद, कोई हक मांगे तो हक मिलता है, मुखालिफत करे तो सर कलम होता है। मेरे सुल्तान। खामोश। हमने आपको इजाजत दी कि वो अखबार पढ़ें जो महल की तौहीन करते हैं, समझाने की कोशिश की, लेकिन आप महल से फरार हो गए। तबाही मचा दी आपने, एक लड़की को मौत के दहाने तक पहुंचा दिया, लेकिन सूरत हाल अभी वाजे नहीं थी। हमने एक और मंसूबा बनाया कि गद्दार जब यहां फूल लेने आएगा तो सारा हिदाया भी हमारी गिरफ्त में वापस आ जाएगी, लेकिन वो तो हमारा अपना फर्जंद निकला, शहजादे अब्दुल कादिर अफंदी। क्या जवाब है इसका आपके पास? सुल्तान मौसम, गद्दारी और आपके साथ हम सोच भी नहीं सकते कभी। लेकिन आप लेकर गए थे वो फूल। जी बिल्कुल, समीर अफंदी फूल लेने आए थे हमसे, हमने कहवा पिया, फिर उनसे कहा आसन को ले आए और फूल ले जाए, वो आसन को लाए तब फूल दिया हमने, साथ में एक पैगाम भी भेजा, हमने समीर अफंदी को वही जहर पिलाया था। हमने लिखा कि एक फूल में एक शख्स के लिए शिफा है, दो के लिए नहीं। सुल्तान मौसम, गद्दारी नहीं की हमने आपके साथ। जैसा आप कह रहे हैं अगर वैसा ही है तो समीर उसे अब तक इस्तेमाल कर चुका होता और सारा यहां आ चुकी होती। यकीन करें हमें नहीं मालूम, हमारा मकसद आसन को वापस महल लाना था, मगर इसके लिए हमने आपका मंसूबा खराब नहीं किया, सारा के लिए नहीं भेजा था फूल, लेकिन आसन भी वापस चली गई। सारा अब तक क्यों नहीं आई? समीर अफंदी, मुमकिन है समीर ने कुर्बानी दे दी हो सारा की खातिर। मेरे सुल्तान, कहिए पाशा। सारा हिदाया आ गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। अभी गैर कानूनी हथियारों की सफाई पेश करना बाकी है शहजादे। बात सुनो। फरमाइए जनाब।
मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। अभी लेकर आता हूं जनाब। अब्दुल हमीद की रियासत से निकलने तक मोहतात रहना होगा मुझे। सुराख है कश्ती में, पानी भर रहा है। मुझे वो बंदूक दो, जल्दी। सुराख बंद करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आपकी कॉफी हाजिर है जनाब। जनाब मेरी बात सुनिए जनाब। ये तो मर गया, ये क्या हुआ, किसने मारा इसे? होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। सुल्ताने मौसम, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मेरी मदद करें, मेरी जान बचा लें। हमने कहा था ना कि तुम खुद वापस आओगी, सारा हिदाया। मेरा अंदाजा आपके बारे में गलत था, हम सबसे गलती हो गई है। मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करें। तुम मरोगी नहीं, खौफजदा ना हो सारा, सब बता दोगी तो बच जाओगी। जो कुछ भी जानती हो बता दो सारा। मेरे सुल्तान, तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार उन्हीं बातों पर है, सोच लो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मालूमात है जो तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती हैं? कहिए पाशा। सुल्तान, खबर अच्छी नहीं है। जलाल की कश्ती से रोशनी का गोला छोड़ा गया है, सुर्ख रंग का। उनकी कश्ती डूब रही है। हम लोग डूब रहे हैं, मदद करें, हम यहाँ हैं, यहाँ आइए, इस तरफ। हमारा सामान भारी है, पहले ये निकाल लें, जल्दी 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 करें। चलो वहां जाओ। तुम्हारा काम खत्म हो चुका। हथियार, हथियार, मुझे तैरना होगा, मुझे हथियार वापस लेने हैं। चलो मेरे जवानों, जल्दी करो, पीला रंग रोशन करो ताकि हमें तसल्ली हो जाए, जल्दी करो। सुल्ताने मौसम, कहो फर्जंद क्या बात है? हमारी जो कश्ती रवाना हुई थी डूब गई, कोई एक भी नहीं बचा। जलाल हमारे फरजंद, तुम्हारी बात और याद रहेगी। मुझे बहुत अफसोस है जनाब हर्जल, वाकई अफसोस है। अब्दुल हमीद न जाने कितने लोगों का खून बहाने की वजह बनेगा। देख लें, हमारा जलाल बेटा शेर जैसा बहादुर था। जनाब हर्षद, वो अब्दुल हमीद ना होता
तो हमारा जलाल बेटा आज जिंदा होता। ये सब अब्दुल हमीद की कोताही है। मैं आपकी सोच के जाविये देखकर हैरान हूं महमूद पाशा। आप हर चीज को अलग नजरिए से देखते हैं और कमाल है कि हर नजरिया आपको बेगुनाह साबित करता है। जनाब हर्जल, कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं मासूम नहीं हूं? मैंने तो अब्दुल हमीद को हथियार दे दिए थे। अब्दुल हमीद अगर उन्हें संभाल नहीं सका तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगरचे ये हथियार मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमारे मसाइल के हल के लिए ये काफी मुनासिब भी है। जब ये हथियार जनाब हर्जल आर्मीनी शरपसंदों के हाथों में आएंगे तो बड़ी शानदार घनगरज सुनाई देगी। आर्मीनी पायाए तख्त पर कब्जा कर लेंगे और मुझे मेरा सरमाया मिल जाएगा, और मैं उस इंतजार को रुकवा कर अमन कायम करके पायाए तख्त को आजादी दिलवाऊंगा, और मुझे सब एक फातेह कहकर बुलाएंगे। बैंक का फातेह महमूद पाशा? बैंक का फातेह नहीं जनाब, इससे कहीं ऊपर, बहुत ऊपर। और खुदाई करें, मजीद गहरा खोदे। दफनाएं इसे। गोली ने बहादुर इंसान के लिबास में सुराख किया है, दफना दे। अब इस बहादुर जवान की कोई खबर भी नहीं, दफनाइए, दफनाइए उस बहादुर के कोट को। अगर एक अच्छे इंसान ना बने तो एक दिन इस सल्तनत को भी दफना देंगे आप। दफनाइए। गोली उसके दिल पर मारी गई। अल्लाह अल्लाह, मगर ऐसा कौन कर सकता है मेरे सुल्तान? गद्दार पाशा, चलाओ गोली, चलाओ, मेरी जान भी ले लो। हमने अपनी तोपों का दहाना आपके जहाज की तरफ कर दिया है। हमारी ख्वाहिश है कि जल्द ही नायमे की शादी कर दी जाए। अच्छा ख्याल है। वो मंगनी तोड़ रहा है। अब्दुल कादिर, पाकीजा के साथ ये उनके लिए इतना आसान नहीं है। सारा खानम कहाँ है? वो सुल्तान अब्दुल हमीद के पास है।